अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में रुद्रपुर के ट्रांसिट कैंप क्षेत्र में दुर्गा मंदिर से राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले दुर्गा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान राम भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। साथ ही शोभा यात्रा के बाद अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम राम लला विराजमान होंगे और इसी उपलक्ष्य में आज वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में अक्षत वितरण का कार्यक्रम और शोभा यात्रा निकाली गई सभी राम भक्तों के द्वारा। यहां पर बहुत सफल ये कार्यक्रम रहा है। सभी लोग दल सभी राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। 22 तारीख को श्री अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके लिए हम पहले भी एक अभियान में लगे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो हमने सबसे घर से उस निर्माण के लिए जय श्री राम। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज पूरे भारतवर्ष का विश्व में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद हमारे घर अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में ये अक्षत पूजित अक्षत बांटा जा रहा है और ये ऐतिहासिक क्षण है। पूरे भारत में, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में, एक ये उत्सव की तरह मना रहे हैं हम भगवान श्री राम के। आज रामलला जी अयोध्या में 22 तारीख को स्थापित होंगे और उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। आज ये भव्य और दिव्य रूप से लोग इसको मना रहे हैं।